प्यारे सर, क्या हाल है? ठीक हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आपकी दुआ से। अलहमदिल्ला भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं परदेसी शहर यूट्यूब चैनल। मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ पाकिस्तान के हालात के बारे में, जो पाकिस्तान जो काम जो हमारे हुक्मरान जो नया है ना, जो काम कर रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और उनकी वजह से जो लोग बाहर कंट्री में परेशान हैं उनके बारे में मालूम देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करूँ मैं सहाफ़ी इमरान खान की, जिसको रात इन्होंने टूल प्लाजे से उठाया था। सबसे पहले बात मैं करने जा रहा हूँ उसकी। इन्होंने बहुत गलत किया उसको उठा के, बहुत बहुत गलत किया। जो सीधा बंदा उसको उठा रहा है, इनके ऊपर इतने केस हैं, मंशात के केस हैं, ये अपने आप को तो बंदर नहीं कर रहे। जो अभी वज़ीर गज़ला है उसके ऊपर 7 खून के जो उनसे पर्चा है वो वज़ीर गज़ला बन गया है। ऐसे तो नहीं होता ना, जुल्म ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। और जिनकी वजह से जो परदेश में लोग बैठे हैं वो बहुत परेशान हैं। जिन्होंने बड़ी ईद पर घर रहा था वो घर नहीं आ सके, कुर्बानी की ईद नहीं कर सके, जिनकी तैयारी कैंसिल हो गई, बैग बंधे हुए पड़े उनके, ये बैग बंधे हुए पड़े, तैयारियाँ कैंसिल हो गई उनकी। क्या करें, पैसे नहीं है, महंगाई इतनी है, हालात बिल्कुल उनके टैट हो गए। इधर को रोज़गार नहीं है, उधर महंगाई इतनी कर दी उन्होंने, वो बेचारे परेशान हैं। कसम से दिल करता है ये ग्रैंडर और ये ड्रिल उठा कर उनके पेट के अंदर सुराख करें हम लोग। और जो फिर ये लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, अभी सहाफ़ी को उठाया, उसके बहुत दिल को दुख होता है। जो ये अच्छा आदमी, 15 साल उसने काम किया पाकिस्तान में, 15 साल में उसको वीडियो में मैंने नहीं देखा कि उसने किसी के इनके बारे में कभी कोई गलत कहा हो। तो फिर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं उनके साथ? ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। और ये इमरान खान जलसे कर रहा है, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बहुत सही है, तुम हो इसलिए तुम्हारे साथ होना भी ऐसे चाहिए। मेरा दिल करता है मैं ये उठा के भी पहुँचाऊँ, ये पिवा के पेट के अंदर सुराख करूँ उनके, जो इन्होंने हराम खाया ना बाहर बैठ के, वो हराम सब इनका बाहर आ जाए। तो परदेसी लोगों के ये बैग बंधे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये तैयारी वाले बंदे थे जो बैठे हैं, अभी काम भी नहीं है, बैठे हैं वर्कशॉपों में, दुकानों पे, रोज़गार नहीं है। ये तो क्वार्टर में मैं बैठा हूँ, उनके ऐसे मैंने तैयारी की हुई नहीं जा रहा हूँ, क्या है काम कार नहीं, इधर काम के हालात टैट हैं, ऊपर से पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, क्या करें लोग। मैंने खुद कुर्बानी का हिस्सा नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, पैसे नहीं, इधर रोज़गार नहीं, उधर महंगाई है, 2000 कमाते तो वो खा जाते हैं, क्या करें हम। हम इन लोगों की वजह से बहुत परेशान हैं। और ये सहाफ़ी इमरान खान आवाज़ उठा रहा था, उसको आपने उठा के बंद कर दिया, जालमों ये जुल्म नहीं है और क्या है। खुदा के लिए खुदा से डरो, नेक महीने खुदा से डरो, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसकी भी औलाद है, छूट तो हो जाएगा, बाहर तो वो बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे इनके राज पड़े हुए हैं, वो राज खुले तो ये बिल्कुल उनको पता चल के, आप सब पाकिस्तानी कौम की आंखें खुल जाएंगी भी इन्होंने क्या किया है। लेकिन वो अभी तक चुप है, चुप बैठे, उसको नहीं छेड़ो। अभी आपने उसको छेड़ा है तो आप उसके साथ ज़रूर वो आपके साथ भिड़ेगा। कल मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बढ़ाई थी, ये हथियार मैंने उठाए हुए थे, मैंने कही हमने जंग उसने शुरू की है तो वो जंग ज़रूर हम लड़ेंगे। ये मेरा हमारा मुल्क है, किसके बाप का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। बाहर से कोई बैठ के हमारे को जो हुक्म दे रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे पाकिस्तानी कौम से गुजारा, ये आप भी उठें, रोड पे उठें, इत्तेदा करें, आवाज़ उठाएं यार, हक सच पे लड़ें। जो लोग सच पे काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट करें आप लोग यार, प्लीज़। मैं आपके आपके आधे हाथ जोड़ता हूँ, आप उनकी प्लीज़ सपोर्ट करें, इमरान खान की भी सपोर्ट करें। इन लोगों ने बहुत जुल्म किए हैं, अभी भी जुल्म कर रहे हैं। आवाम के ऊपर पेट्रोल बनाए जा रहे हैं, अभी नई खबर आ रही थी कि रेट बढ़ जा रहे हैं, बताओ क्या करें पाकिस्तानी अवाम, कहाँ जाएँ। हम जैसे लोग जो परदेश में बैठ के जो कमाने वाले हैं, रो रो रहे, जो गरीब तबका है पाकिस्तान में, जो गरीब है वो कैसे रो रहे होंगे। खुदा का वास्ते को मुल्क के लिए अच्छा करो अवाम, तुम भी रोड पे आओगे तो कुछ होगा, आप लोग रोड पे निकलोगे तो कुछ अच्छा ही होंगी। हज पे गए हुए हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं है। रोड़ों पर आओ, दुआ करो अल्लाह से, नेक इधर ही बैठ के जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद करो। मैंने वीडियो किसी और टॉपिक की बनाने लगे, मैंने और टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जिस टॉपिक में मैंने वीडियो बनानी है वो वीडियो भी कल आएगी, ज़रूर आएगी, उस वीडियो को भी आपने ज़रूर देखा है। तो आप सब गरीबों की हेल्प करें, कुर्बानी चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास 2 टाइम रोटी खाने के पैसे नहीं है यार, उनकी मदद करें प्लीज़ प्लीज़। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप उनकी मदद करें। अगर किसी को मेरी बात या बुरी लगी हो तो मैं माजरा चाहता हूँ, अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचे। तो जो मैं कल वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, वो मैं मेरे दिल को दुख होता है वो बात सुन के ना, वो जब हम बात सुनते हैं ना दिल को दुख होता है। लोग ऐसे ऐसे चीज़ें देखाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, लोग दिल को दुख होता है। इंशाल्लाह वो भी आपको कल की वीडियो में ज़रूर पता चलेगा कि मैंने किस चीज़ के ये बारे में वीडियो बनानी है और क्या करना है, वो भी मैं आपको कल ज़रूर बताऊंगा। तो गुजारा, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपके माँ बाप को खुश रखे, आप जो जिनके वालदान जिंदा है अल्लाह उनको खुशहाल रखे, माँ बाप को जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनको जन्नतुल मआवा मकाम नसीब करे। आज तक की वीडियो इतनी, हाफिज़ दीजिए अपने भाई शायद परदेसी को, इजाज़त इंशाल्लाह कोशिश करूँगा।